दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अगर हमें अपने अर्ली 20s में पता चल जाए तो हम अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि 20s में लिए गए डिसीजन आपके आगे आने वाली पूरी लाइफ को डिसाइड करते हैं। आपका एक अच्छा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बना सकता है, तो वहीं आपका एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। इस उम्र में संभलकर और सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम एक बार निकल गया तो सिर्फ एक ही चीज़ आपके हाथ लगेगी और वो है पछतावा। आप अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट फील ना करें, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 6 ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाले हैं जो हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो अपने 20s में है और जो गलतियां नहीं करना चाहता है और जल्दी से जल्दी सक्सेस होना चाहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। नंबर 1, यूटिलाइज योर टाइम। दोस्तों, 20s में हम लोगों के पास बहुत टाइम और एनर्जी होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग बस इस टाइम का इस्तेमाल पार्टी करने, घूमने फिरने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने जैसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अभी तो उनके पास पूरी लाइफ पड़ी है। यही गलती उनकी ले डूबती है। दोस्तों, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो करना है आज करो, कल किसने देखा है, क्योंकि अगर एक बार ये समय आपके हाथ से निकल गया तो आपके पास ये समय दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। इसलिए जो करना है आज करो और अभी से उसकी शुरुआत करो। नंबर 2, मिनिमाइज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस एक प्रकार का जहर होता है और अगर आपने इसे नहीं मारा तो ये आपको मार देगा। वैसे भी 20s में बहुत से लोग स्ट्रेस में होते हैं, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके हमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि आखिर हमें करना क्या है। ऊपर से फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। ऐसे में ज़रूरत है आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की जो आपका स्ट्रेस कम करे, आपको कॉन्फिडेंट दे और जो आपको एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर दे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कोई स्पोर्ट्स खेलना, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए और आप हेल्दी भी रहें। नंबर 3, नेवर अफ्रेड टू फेल। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो फेल होने से कभी मत डरो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी फेल ना हुआ हो। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो करो, नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो और रिस्क भी लो। अगर आप फेल भी हो गए तो उन फेलियर से सीखने की कोशिश करो, और जितनी जल्दी आप अपने फेलियर से सीखोगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा आपके जल्दी सक्सेस होने के। नंबर 4, बी कंसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन 1-2 महीने काम करने के बाद अगर हमें उस काम से कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो उस काम को करना हम छोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जैक मा का। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं और जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तब सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बिजनेस में 3 साल तक उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज अलीबाबा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन होलसेल का मार्केट प्लेस है और जैक मा चाइना के सबसे अमीर इंसान हैं। दोस्तों, सोच के देखो, अगर जैक मा उस टाइम हार मान जाते, वो 3 साल तक कड़ी मेहनत करते रहे और उनको 1 रुपये का प्रॉफिट भी नहीं हुआ, अगर वो उस दिन हार मान के वापस चले जाते और बिजनेस छोड़ देते करना, तो आज वो कहाँ होते? क्या वो आज चाइना के सबसे अमीर इंसान बन पाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने काम को करते रहो, कभी गिव अप मत करो, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद गुड एंड सक्सेसफुल पीपल। एक पुरानी कहावत है जो आप सबने तो सुनी ही होगी और वो है कि यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। यानी जैसी आपकी संगति होगी, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप भी वैसे ही बन जाओगे। ठीक वैसे ही जैसा लोहा पारस पत्थर के छूने मात्र से ही सोना बन जाता है। 20s की एज में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका लाइफ में ना तो कोई बहुत बड़ा ड्रीम होता है और ना ही कोई बहुत बड़ा गोल होता है। वो तो बस लड़की बाजी में लगे रहते हैं और अपने माँ बाप के पैसे पर ऐश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
कम दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसे दोस्त बनाओ जिनका लाइफ में कोई बड़ा गोल हो, कोई बड़ा ड्रीम हो, जो काफ़ी एम्बिशियस हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करके दिखाओगे या बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। नंबर 6, लव योर पेरेंट्स। दोस्तों, हमारे माँ बाप ही पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और हमारी लाइफ की हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े होते हैं, फिर चाहे वो खुशी हो या गम। और ये तो आपने हमेशा कहते हुए लोगों को सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, और ये शायद इसीलिए कहा गया है क्योंकि बेटा चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, माँ बाप उसे ताउम्र हमेशा प्यार करते रहते हैं। आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, समय के साथ उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनका पूरा ख्याल रखो और उनके साथ जितना समय बिता सकते हो उतना समय बिताओ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, माँ बाप के रहते हुए कुछ बन जाओ, कुछ लाइफ में करके दिखा जाओ, वरना बाद में सोने चांदी का महल भी बनवा दोगे तो उसमें भी अपने आप को अकेला ही पाओगे। और अपनी जीत का आनंद अपनों के साथ मनाने में आता है, ना ही अकेला। और इस बात से बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं।